बरेली दूध की डेयरी पर काम करने वाले युवक ने 3 माह का अपना वेतन मांगा तो 3 लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना बिशारतगंज के गांव अखा निवासी मृतक का भाई संजय ने बताया कि उसका भाई 22 वर्षीय दीपक पुत्र ओमकार सिंह थाना भमौरा क्षेत्र के गाँव क्योना शादीपुर गोटिया में अनीस खां की डेयरी पर काम करता था। दीपक का 3 महीने का वेतन अनीक खां के ऊपर आ रहा था। दीपक अनीक खां के पास 27,000 रुपये लेने गया था। दीपक को रुपए नहीं दिए। दूध की डेयरी पर बादशाह कयूम और फरजाना बेगम ने दीपक पर लाठी डंडों और लात घूसों से हमला कर दिया, जिससे दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वालों को सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंचे। दीपक की हालत गंभीर थी। परिवार वाले थाना भमौरा पहुंचे, तीनों के खिलाफ तहरीर दी और दीपक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ दीपक की इलाज के दौरान 2 अप्रैल की सुबह को मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। क्या नाम भैया आपका? संजय। क्या हुआ आपके भाई को? मेरा भाई डेयरी पे काम करता था। डेयरी पे काम करता, 3 महीने का वेतन था उसका। वेतन लेने गए, वहाँ उन्होंने वेतन मांगा, उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया वहाँ लोगों ने। मारपीट के कारण सिर में चोट भी आई है। इलाज के लिए फिर अस्पताल लेके आए। अस्पताल में आज इलाज चल रहा था, सुबह खत्म हो गए वो। हाँ, इसके यहाँ काम करते थे, क्या नाम था? अनीस। अनीस कहाँ है? अनीस कहाँ? अनीस। मारा किस किसने? मारा कयूम ने, बादशाह ने और फरजाना बेगम ने। तीन लोग? हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पैसा दिया नहीं? दिया। पैसा नहीं दिया। फरार हैं अब? फरार हैं तीनों। हाँ, थाने में तहरीर दे दी। मृतक का क्या नाम था? मृतक का नाम दीपक। कब से काम कर रहे? करीब 4 साल हो गए। अखा के थाने में सारे दिन। मुनेशपाल। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।